नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ युक्ता शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सोनी जी। स्वागत है श्रद्धा सोनी जी। और आज का हमारा विषय है वास्तु। हम जानेंगे वास्तु के बारे में कि क्या कुछ परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है वास्तु के जरिए। तो सबसे पहले श्रद्धा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वास्तु क्या है? पंचतत्व का संतुलन है वास्तु। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, इन सब से मिलकर के बना है ब्रह्मांड। सारा इन पंचतत्वों पर आधारित है। इन सब का संतुलन ही वास्तु कहा जाता है। मैं पूछना चाहूंगी आपसे, पंचतत्व में वास्तु के कौन से ग्रह हैं और क्या स्थान है? पंचतत्व ऐसे तो 8 प्रमुख दिशाएं मानी जाती है, जिनमें से 4 और भी प्रमुख होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो पूर्व दिशा है वो सूर्य का प्रतीत माना जाता है, जो पश्चिम दिशा है वो शनि का प्रतीत माना जाता है, उत्तर दिशा जो बुध कारक ग्रह का दिशा माना जाता है, और दक्षिण दिशा मंगल ग्रह के कारक में आती है। जैसा कि आपने 4 दिशाओं के बारे में बताया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आगे की जो और प्रमुख 4 दिशाएं होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो मेन 4 दिशाएं होती है, बाकी की जो 4 दिशाएं जिसे हम बोलते हैं ईशान कोण, अग्निकोण, वावे कोण और नैऋत्य कोण, ये 4 दिशाएं भी अलग अलग ग्रह को प्रतीत करती हैं। इनके भी बहुत सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे आर्थिक संपन्नता पर और हमारे घर के वास्तु पर भी पड़ा जाता है। इनका संतुलन ही वास्तु का। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने बोला सकारात्मक प्रभाव वास्तु के काफी हमारे जीवन पर पड़ते हैं, तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं और क्या सकारात्मक प्रभाव हैं जो हमारे जीवन पर वास्तु के पड़ते हैं? हाँ, इन दिशाओं का बहुत सकारात्मक प्रभाव हम जीवन में ला सकते हैं। जिस तरीके से आर्थिक, मानसिक, अलग अलग तरीके की परेशानियों से परेशान रहते हैं, तो हम इसमें 2 दिशाओं को भी हम ठीक करके हमारी सब तरीके की वास्तु को संतुलित कर सकते हैं। जो कि आपके घर का ब्रह्म स्थान जिसे बोलते हैं हम, जो बीच का स्थान आपके घर का पूरा खाली होना चाहिए, उसे आप हल्का रखिए, उससे एक सकारात्मकता आपके पूरे 4 दिशाओं में फैलेगी। और एक घर का ईशान कुंड जो कि बहुत प्रमुख माना जाता है, जो कि उत्तर पूर्व का कोना जिसे हम ईशान कुंड बोलते हैं, उसे आप पानी से, जल तत्व से संतुलित करके रखें और उसे बाकी दिशाओं से थोड़ा सा नीचे रखें। तो ये थी हमारे साथ श्रद्धा सोनी जी, जिन्होंने आज वास्तु के बारे में बताया, 8 प्रमुख दिशाओं को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाले जाए। अगली मुलाकात फिर होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।